गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेज ऑफ आर्टिकल्स, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं, कौन कौन से सेंटेंसेज है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, सचिन तेंदुलकर प्लेज ब्लैंक क्रिकेट। आपको बताना है बेटा, इसमें ब्लैंक में क्या आएगा? आपको पता है ना, आर्टिकल मीन्स ए एन दी, ए एन दी, इन तीनों में से एक आता है, तो इस सेंटेंस में क्या आएगा ये आपको बताना है। इस सेंटेंस में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी गेम्स होते हैं उन गेम्स के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसमें आएगा क्रॉस। क्या आएगा इसमें? क्रॉस। सेकंड जो सेंटेंस है, ब्लैंक बाइबल इज ए होली बुक, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा द। क्यों? क्योंकि जितने भी रिलीजियस बुक्स होती है उन रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। रिलीजियस बुक्स जैसे बाइबल, गीता, कुरान, रामायण, ये जो बुक्स है इनके नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो इसमें क्या आएगा बेटा? द। चलो ये आप लिख लीजिएगा। तीसरा है, द बॉक्स वॉज मेड ऑफ ब्लैंक वुड, इसमें क्या आएगा? इसमें भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे वुड, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो इसमें भी क्या आएगा? क्रॉस। नेक्स्ट है, हिज वाइफ इज ब्लैंक यूरोपियन, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ए। देखिए इसकी हिंदी, हिज वाइफ इज ब्लैंक यूरोपियन, उसकी पत्नी एक यूरोपियन है। अब एक मीन्स ए या एन, अब ये देखना हमें वोवल की साउंड आती है यहाँ पर या कंसोनेंट की साउंड आती है। यूरोपियन, इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे यूरोपियन, ये किसकी साउंड आ रही है? कंसोनेंट की, तो क्या आएगा यहाँ पे? ए। इसलिए फोर्थ में क्या आएगा? ए। नेक्स्ट में चलते हैं, फाइव, पूनम इज ब्लैंक बेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा द। क्यों? क्योंकि ब्लैंक के बाद जो वर्ड है बेस्ट, ब्लैंक के बाद जो वर्ड है बेस्ट, बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं नंबर सिक्स, संतोषी इज ब्लैंक ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट, संतोषी एक ईमानदार लड़की है। तो एक के लिए हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब ये देखेंगे कि ब्लैंक के बाद जो वर्ड है उसमें किसकी साउंड आती है, कंसोनेंट की साउंड आती है या वोवल की साउंड आती है? कंसोनेंट की साउंड आती है तो ए लगाएंगे, और वोवल की साउंड आती है तो एन। क्या आ रहा है इसमें? ऑनेस्ट, ओ, क्योंकि इसमें एच जो है वो साइलेंट होता है, इसलिए ओ की साउंड आ रही है, तो ओ क्या है? वोवल, इसलिए इसमें क्या आएगा? एन, ए एन एन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर सेवन, ब्लैंक लंच गिवन बाय यू वाज वेरी डिलीशियस, देखिए लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इन वर्ड्स के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता,
लेकिन यदि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, किसी स्पेशल लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट की बात की जा रही है तो वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किसी स्पेशल लंच की बात की जा रही है, गिवन बाय यू, वह लंच जो तुम्हारे द्वारा दिया गया था, इसलिए इसमें आएगा द आर्टिकल का प्रयोग होगा इसमें। द लंच गिवन बाय यू वॉज वेरी डिलीशियस। नेक्स्ट है, आई सा ब्लैंक वन आइड मैन यस्टरडे, मैंने कल एक आँख वाले व्यक्ति को देखा। एक के लिए ए या एन, अब ये देखना आपको कि वोवल की साउंड आ रही है या कंसोनेंट की साउंड आ रही है। वोवल की साउंड आ रही है तो एन, और कंसोनेंट की साउंड आ रही है तो ए। वन, वे, किसकी साउंड है? कंसोनेंट क्या आएगा? ए। नेक्स्ट है नाइन, ब्लैंक गंगा इज ए होली रिवर। देखिए जितनी भी रिवर्स होती है, जैसे गंगा है, यमुना है, सतलुज है, सभी रिवर्स के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आएगा द गंगा इज ए होली रिवर, द का प्रयोग होगा। और लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, अंजलि बॉट ब्लैंक इंक पॉट, अंजलि ने एक इंक पॉट खरीदा। एक, एक के लिए क्या आता है अभी बताया था मैंने, या वोवल की साउंड आती है तो एन आता है, और कंसोनेंट की साउंड आती है तो ए आता है। किसकी आवाज़ आ रही है यहाँ पे? ई, ई, इंक पॉट ई, वोवल की साउंड आ रही है तो क्या आएगा? एन। तो बच्चों टेंथ जो सेंटेंस है इसमें आएगा एन। बच्चों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।